आपका स्वागत है अग्रविजन चैनल में और आप देख रहे हैं योग सूत्र। और योग सूत्र में हम जानेंगे कि कैसे योग का महत्व पूरी दुनिया में पूरे सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है ये। तो आज हम इसमें करने वाले हैं सूर्य नमस्कार, और सूर्य नमस्कार का जो लाभ है उसको भी जानते हैं। सूर्य नमस्कार एकमात्र ऐसा आसन है जिसमें 12 के 12 जो आसन है उनका एक साथ हमको लाभ मिलता है, और इससे हमारी विटामिन डी भी हमको मिलती है। इसको अगर हम खाली पेट करते हैं तो हमारा पूरा शरीर लचीला भी होता है, और जिनका वजन बहुत ज़्यादा है वो भी कम हो जाता है। चलिए हम करके देखते हैं कैसे करेंगे सूर्य नमस्कार को। चलिए करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार वन की स्थिति में आए, नमस्कार की मुद्रा में। वन टू में धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएं, और हाथ को हम इतना ऊपर ले जाएं कि हम दोनों आँखों से अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से देख पाएं। शरीर को इतना ही पीछे की तरफ घुमाना है जितना हम दोनों आँखों से देख पाएं। थ्री में हाथ को वहीं से घुमा दें, और हाथ को हम इतना घुमाते हुए चले आएं कि शरीर को है हाथ को खींचना है, कमर से ही शरीर को घुमाना है, जिससे कि हाथ आगे की ओर खींचे होंगे तो क्या होगा, हमारे जो दोनों हाथ हैं ज़मीन पर आसानी से आ जाएंगे। और दोनों हाथों को जो है पाँव के लेफ्ट साइड राइट साइड में रख देना, दोनों पाँव के। और उसके बाद क्या करना है, पेट में से हमें सांस निकालना है, और धीरे धीरे अपने माथे को दोनों घुटनों के मध्य में रख देना है। फोर में क्या करना है, अपने लेफ्ट वाले पाँव को पूरा पीछे की तरफ खींचना है, पिछले वाले पाँव के घुटने को ज़मीन पर रखना है। उसके बाद अगले वाले पाँव की जो पिंडली है और थाई का निचला वाला हिस्सा जो है उसको मिला देना है, और धीरे से जो है क्या करना है, शरीर को आगे से ऊपर छत की ओर या फिर आसमान की ओर पूरा हमें देखना है। फाइव में दंडासन है, इसमें क्या करना है, दोनों हाथ की हथेली पाँव की उंगली अंगूठे के ऊपर पूरा शरीर हमें रोकना है, और जैसे आपके सर के ऊपर एक बॉल रख दें उसको जो है पाँव की एड़ी से आराम से निकल जाए, बिल्कुल ऐसे दंड के समान हमको पूरे शरीर को रखना है। कम से कम 2 से 3 मीटर हमें सामने की तरफ देखना है। सिक्स में क्या करना है, पहले घुटने को मिलाएं और जो चेस्ट का निचला हिस्सा उसको ज़मीन पर लगा दें, चिन को ज़मीन पर लगाएं, और दोनों कोहनियों को ऊपर की तरफ उठा के रखें। 7 भुजंगासन, शरीर को हम आगे से ही पूरा ऊपर की ओर घुमा दें, देखें ऊपर आसमान की ओर। 8 में क्या करें, शरीर को वापस बीच में से पूरा उठाएं ऊपर की तरफ, पर्वत आसन है। पर्वत आसन के लिए क्या करना है, दोनों पाँव के एड़ियों को हम पीछे ज़मीन पर लगा दें, दोनों हाथों की हथेली को ज़मीन पर लगाएं, उसके बाद हम चिन को जो है पूरा ज़मीन से वो अंदर की तरफ ले जाएं, चिन को जो है हम गर्दन तक पूरा लेके जाएं। 9 लेफ्ट वाले पाँव को दोनों हाथों के बीच में लेकर आएं, पिछले वाले पाँव के घुटने को ज़मीन पर रखें, और शरीर को हम आगे से ही पूरा ऊपर की ओर घुमा दें। 10 में राइट वाले पाँव को भी लेफ्ट के बगल में रख दें, और फिर शरीर पेट में से सांस निकाल दें, माथे को दोबारा से हम घुटने के मध्य में रख दें। 11 में दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाना है हमको, और दोनों हाथों को उतना ही पीछे ले जाना है जितना हम दोनों आँखों से देख पाएं, कमर से शरीर को पूरा पीछे की ओर घुमा दें। 12 ये हमारा हुआ सूर्य नमस्कार की एक पूरी प्रक्रिया। आज हमने जाना योग सूत्र में सूर्य नमस्कार की उपयोगिता और उसके लाभ के बारे में। अगली बार हम एक नए आसन के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।